हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद क्रिशन पर। दोस्तों, अगर आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में अगर प्रॉब्लम आती है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी वोकैबुलरी पावर यानी कि वर्ड मीनिंग पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं है। और जब तक हमारी वर्ड मीनिंग पावर स्ट्रांग नहीं होगी, हम ना तो इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे और ना ही कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो आपकी इसी समस्या का समाधान आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 डेली यूज वर्ड्स जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। सभी वर्ड्स बहुत ही शॉर्ट एंड ईजी हैं, एक बार में ही आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 100 डेली यूज वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड, दैट इज डिफिकल्ट। DIFFICULT। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट। DIFFERENT। डिफरेंट का मतलब होगा अलग या भिन्न। नेक्स्ट इज डर्टी। DIRTY। डर्टी का मतलब होता है गंदा। नेक्स्ट इज डिनर। DINNER। डिनर का मतलब होता है रात का भोजन। नेक्स्ट डिस्कवर। DISCOVER। डिस्कवर मीन्स खोजना। नेक्स्ट वर्ड इज डाउट। DOUBT। यहाँ पे बी साइलेंट होगा और हमें क्या प्रोनाउंस करना है, DOUT, डाउट। डाउट का मतलब होता है शक। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रीम। DREAM। ड्रीम का मतलब होता है सपना। नेक्स्ट ड्रिंक। DRINK। ड्रिंक मीन्स पीना। नेक्स्ट इज ड्राइव। DRIVE। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। नेक्स्ट डिग। DIG। डिग का मतलब होता है खोदना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ड्यूरिंग। DURING। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। नेक्स्ट अर्ली। EARLY। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जैसे कि हम बोलते हैं वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह जल्दी उठना। नेक्स्ट है हमारा एज। क्या पढ़ेंगे इसे, एज, EDGE, एज। एज का मतलब होता है किनारा। नेक्स्ट एजुकेटेड। EDUCATED। एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा। नेक्स्ट इज एग। EGG, एग। एग का मतलब अंडा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इधर। EITHER। इधर का मतलब होता है दोनों में से एक। नेक्स्ट एम्प्टी। EMPTY। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। SPECIALLY। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर पर। नेक्स्ट वर्ड इज एंटर। ENTER। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट है हमारा एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होगा, बाहर जाना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इवनिंग। इवनिंग का मतलब क्या होगा, शाम। एग्जैक्ट। EXACT। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। इसके अलावा एक और वर्ड है जिसे हम पढ़ते हैं एक्सपेक्ट। क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्ट। इसकी स्पेलिंग का आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला जो है वो है एक्सेप्ट और नीचे क्या है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद रखना, है ना, या अपेक्षा रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी को समझाना। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस। EXPRESS। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा। EXTRA। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त या फालतू। नेक्स्ट वर्ड इज फैमिली। FAMILY। फैमिली का मतलब होता है परिवार। नेक्स्ट इज फार। FAR। फार का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट वर्ड इज फेवरेट। FAVOURITE। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। नेक्स्ट इज फियर। FEAR। फियर, फियर का मतलब होता है डर। नेक्स्ट वर्ड फीड। FEED। फीड का मतलब खिलाना। नेक्स्ट वर्ड इज फील। FEEL। फील का मतलब होता है महसूस करना। नेक्स्ट इज फेलो। FELLOW। फेलो का मतलब होता है साथी। नेक्स्ट फिगर। FIGURE। फिगर का मतलब होता है आकृति। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड फाइनल। FINAL। फाइनल का मतलब होता है अंतिम। नेक्स्ट इज इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती।
नेक्स्ट वर्ड फाइन, FINE, फाइन। फाइन के दो मतलब होते हैं, एक तो जुर्माना और दूसरा मतलब होता है बढ़िया, जैसे कि आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूं। नेक्स्ट इज फिनिश, FINISH, फिनिश का मतलब होता है खत्म होना। नेक्स्ट वर्ड फायर, फायर का मतलब होता है आग। चलिए देखते हैं अगला वर्ड हमारा, दैट इज फिक्स, FIX, फिक्स। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना। नेक्स्ट फ्लोर, FLOOR, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। नेक्स्ट इज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर मीन्स होता है फूल। नेक्स्ट फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होगा, उड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। नेक्स्ट इज फॉलो, FOLLOW, फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना। नेक्स्ट फॉर्चुनेट, FORTUNATE, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। और अगला है हमारा अनफॉर्चुनेट, हम क्या करेंगे, फॉर्चुनेट के आगे हमने UN लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो फॉर्चुनेट का मतलब हो गया भाग्यशाली और अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भाग्यशाली, यानी कि एक अनलकी पर्सन। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। नेक्स्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। नेक्स्ट फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट का मतलब होता है भय या डर। नेक्स्ट फ्रंट, FRONT, फ्रंट का मतलब सामने। नेक्स्ट फन, FUN, फन, फन का मतलब मजा। नेक्स्ट वर्ड इज फर्दर, FURTHER, फर्दर का मतलब होता है आगे। नेक्स्ट गार्डन, गार्डन का मतलब बगीचा। नेक्स्ट इज जनरल, GENERAL, जनरल मीन्स होता है आम या सामान्य। नेक्स्ट जेंटल, GENTLE, जेंटल मीन्स होता है सज्जन। नेक्स्ट वर्ड इज गेट, GET, गेट का मतलब होता है पाना या किसी चीज को प्राप्त करना। नेक्स्ट इज ग्लांस, GLANCE, ग्लांस मीन्स होता है झलक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोल्ड, GOLD, गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। नेक्स्ट इज सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। नेक्स्ट वर्ड है आयरन, IRON, आयरन, आयरन का मतलब क्या होगा, लोहा। नेक्स्ट इज कॉपर, COPPER, कॉपर का मतलब होता है तांबा। नेक्स्ट वर्ड गुड बाय, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। नेक्स्ट इज ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। नेक्स्ट वर्ड ग्रुप, ग्रुप का मतलब होगा समूह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैस, गैस का मतलब होता है अनुमान, स्पेलिंग क्या होगी इसकी, GUESS, गैस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाफ, HALF, हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। हैंग, HANG, हैंग, हैंग का मतलब क्या होगा, टांगना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हैपन, HAPPEN, हैपन का मतलब होता है होना। नेक्स्ट इज हार्डली, HARDLY, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। नेक्स्ट इज हेट, HATE, हेट, हेट का मतलब होता है नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड हैव, HAVE, हैव, हैव का मतलब पास होना। नेक्स्ट इज हीट, HEAT, हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हैवी, HEAVY, हैवी का मतलब होता है भारी। नेक्स्ट हेल, HELL, हेल, हेल का मतलब नरक। नेक्स्ट वर्ड इज हेवन, HEAVEN, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। नेक्स्ट वर्ड हिल, HILL, हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। नेक्स्ट वर्ड है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हिट, क्या पढ़ना है इसे, हिट, HIT, हिट, हिट का मतलब होता है मारना। नेक्स्ट इज हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी का दिन, जिस दिन हम छुट्टी पर होते हैं वो क्या होती है, हॉलीडे होती है। नेक्स्ट वर्ड हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल मीन्स होता है भयंकर। नेक्स्ट हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा however, HOWEVER, however मीन्स होता है हालांकि।
देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान। नेक्स्ट इज इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। नेक्स्ट वर्ड इज हरी, HURRY, हरी का मतलब होता है जल्दी करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इम्पोर्टेंट, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी। नेक्स्ट इज इंडीड, INDEED, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। नेक्स्ट वर्ड इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। नेक्स्ट इज इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड का मतलब होता है के अलावा या के बजाय। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व, INVOLVE, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना। नेक्स्ट इज इशू, ISSUE, इशू का मतलब होता है मुद्दा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। नेक्स्ट वर्ड इज किचन, किचन का मतलब क्या होगा रसोई। नेक्स्ट इज लेक, LAKE, लेक, लेक का मतलब होता है झील। नेक्स्ट वर्ड पोंड, पोंड का मतलब क्या होगा तालाब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिवर, RIVER, रिवर का मतलब होता है नदी। नेक्स्ट वर्ड इज सी, SEAC, सी का मतलब होता है समंदर। और हमारा आज का आखिरी वर्ड है ओशियन, OCEAN, ओशियन का मतलब क्या होता है महासागर। तो ये थे हमारे आज के 100 वर्ड्स। देखा आपने सभी वर्ड्स कितने इजी थे, और ना अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे और आप इंग्लिश को धीरे धीरे समझना शुरू कर दोगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।